ये आ गया फार्मटेक 60। देख सकते हो इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। 16 तरीके की एरो लगी हुई है पीछे, बहुत ही लोड के अंदर चल रहा है ये ट्रैक्टर। और यहाँ पे लिफ्ट वाली एरो है, जो लिफ्ट से कंट्रोल होती है, वो एरो लगी हुई है इसके पीछे। और काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है ये फार्मटेक 60 का, तो क्या ही कहना, क्यों सभी किसान इससे परिचित है। गहराई देख सकते हो किसान भाई, वो काफ़ी अच्छी गहराई है, 16 तवे की एरिया है और लिफ्ट से कंट्रोल होता है ये, काफ़ी अच्छी गहराई लेके चल रहा है। और साथ में ये ऊपर जो किसान भाई बैठे हैं वो बुवाई भी कर रहे हैं, मूंग का बीज बो रहे हैं यहाँ पे इस खेत के अंदर। और पानी ज़्यादा चलता है इस खेत के अंदर, इसलिए यहाँ पर ये हैरो से बुवाई की जा रही है। देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड है इस ट्रैक्टर की, स्पॉटेक 60 पावर मैक्स ट्रैक्टर है ये, और ये लो के टॉप गियर के अंदर चल रहा है जैसा कि मैंने बताया है। किसान भाई से बात करेंगे, ये फार्मटेक के दीवाने हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस ट्रैक्टर की, कोई लोड नहीं है, बिना आरपीएम ड्रॉपेज के चल रहा है ये ट्रैक्टर। ऊपर चढ़ के आपको बताएंगे भी। देख सकते हो भैया पावर मैक्स सीरीज का F34, ये इसकी सीरियल नंबर है, मॉडल नंबर। और ये ट्रैक्टर है फुली 3500 का इंजन है इसके अंदर, और डुअल पावर स्टीयरिंग के साथ में है अभी। और 55 HP देख सकते हो लिखा हुआ, और 14 के टायर के अंदर है, और 16 डिस्क का एरो लगा हुआ है। और हम बताएंगे इसको उस साइड जाके कि ये कौन से RPM में चल रहा है, और लो के टॉप गियर के अंदर चला रहा है किसान भाई इसको। देख सकते हो आप लो का फोर्थ गियर लगा हुआ है, यहाँ से लो गियर है, और RPM देख सकते हो यहाँ पे। चलो RPM कितना ड्रॉपेज है हम आपको बताएंगे, 1800 RPM पे करके चला है ट्रैक्टर का, देख सकते हो आप। और 50 RPM ड्रॉप है, बिल्कुल बहुत ही कम RPM ड्रॉपेज के साथ चल रहा है फार्मटेक 60, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इस ट्रैक्टर की। और ये ट्रैक्टर मात्र 1400 घंटे चला हुआ है, 2023 मॉडल है, ज्यादातर ट्रॉली के अंदर यूज हुआ है इस ट्रैक्टर को। अरे तेरी क्या था, ये पीछे एरो लगा हुआ है तो ट्रैक्टर बहुत ही विली मार रहा है ट्रैक्टर, एरो बहुत हैवी है पीछे लगा हुआ। 16 तवे का अभी एक नंबर के अंदर लगाएंगे 1800 RPM में। और वो जो स्वराज है अपने, जो 735 वो सीड ड्रिल से बुआई कर रहा है उस साइड, वहाँ पे पानी का कम भराव होता है तो वहाँ पे वो बुआई कर रहा है। ये बड़ा ट्रैक्टर ये एरो से बुआई करता है, और अभी एक नंबर लगवा दिया है किसान भाई ने, 1800 RPM और एक नंबर के अंदर चल रहा है, और काफ़ी अच्छी स्पीड है हाई लो के अंदर इसकी। पीछे मिट्टी मिट्टी उड़ रही है, बाकी आपको दिखा दिया, मात्र 50 RPM ड्रॉप करके चल रहा है ट्रैक्टर, कोई ज़्यादा RPM ड्रॉप नहीं है ट्रैक्टर के। तो किसान भाइयों, छोटे ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अभी सीजन चल रहा है, तो जिस भी ट्रैक्टर का आप कल्टीवेटर हैरो पे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। किसान भाइयों, फार्मटेक 60 के लोग यूं ही दीवाने नहीं हैं, कुछ तो है इस ट्रैक्टर के अंदर, बिना RPM ड्रॉप किए चल रहा है, वो भी हैरो पे, और लिफ्ट है जो कंट्रोलिंग पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे गिली मिट्टी है, लीवर डाल के नहीं चला सकते, कोई भी ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा यहाँ पे, कंट्रोलिंग के अंदर चल रहा है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। 14 के टायर के अंदर है ये ट्रैक्टर, और ये जो ट्रैक्टर है हाई लो गियर के अंदर है, हाई लो मीडियम गियर में इसमें नहीं है, हाई लो के अंदर है ये ट्रैक्टर, अभी फुल लीवर डाउन करके चल रहा है ये।
एरो देख सकते हो, पूरी मिट्टी के अंदर लिपट गई है। इन्होंने ये लकड़े का जुगाड़ किया है ताकि ये मिट्टी नहीं, जो डिस्क है उस पर चिपक जाती है, तो उससे चिपके नहीं, ऑटोमेटिक ये नीचे गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे गीली मिट्टी है। और ये अभी मेड से वापस लेके आ गया है, और यहाँ पे एरो ज़्यादा ही लग रही है, ट्रैक्टर पूरा स्लिपेज काट रहा है। डीजल तो बहुत ही अच्छा खासा फूंक देगा, लेकिन यहाँ पे ये ट्रैक्टर कोई दम नहीं तोड़ रहा है। 1800 लगभग आरपीएम पे चला रहा है किसान भाई इसको, और लिफ्ट कंट्रोलिंग के साथ है, तो जितना चाहे हम कंट्रोल कर सकते हैं इस एरो के अंदर। बहुत ही अच्छी एरो लग रही है यहाँ पे, साथ में बुआई भी हो रही है और जुताई भी हो रही है, एरो से जुताई भी होती है, और वो ऊपर बैठे हैं वो अपने बुआई कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं। काफ़ी अच्छी तकनीक है यहाँ पे, क्योंकि बारिश का सीजन है तो पानी यहाँ पे ज़्यादा भरता है इस खेत के अंदर, तो हम सीड ड्रिल से नहीं बुआई कर सकते हैं। तो थोड़ा रुकवा लिया है किसान भाई से बात करेंगे। क्लासिक प्रो EPI मॉडल है, और ये कितने नंबर आरपीएम पे चला रहे हो ट्रैक्टर? 1750। 1750 आरपीएम। आरपीएम ड्रॉपेज वगैरह आरपीएम ड्रॉप तो नहीं कर रहा है? आरपीएम नहीं 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 नहीं। और ये इसका डीजल एवरेज क्या है एरो के अंदर? डीजल एवरेज 3.5 से 4 ही खाता है। तो किसान भाई ने बताया कि ये 3.5 से 4 लीटर डीजल लेता है, ये अभी जिस हिसाब से चल रहा है तो ये डीजल लेता है, और 2023 मॉडल है ट्रैक्टर, और 1700 rpm पे 1750 rpm पे चल रहा था फिलहाल लो के टॉप गियर के अंदर। बाकी काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है, धन्यवाद किसान। चलिए अभी इनका काम करने देते हैं हम इनको। इन किसान भाई ने बताया कि इनके ज़्यादातर ट्रॉली पर्पज़ का काम है, तो बड़ी ट्रॉली है और वो ये झूर का काम करते हैं, इसीलिए ये ट्रैक्टर लिया था, और अभी खड़ाई कर रहे हैं, इससे बुआई वगैरह चल जाती है बारिश के सीजन। ट्रैक्टर स्लिपेज ले रहा है, देख सकते हो यहाँ पे गीली मिट्टी है तो स्लिप निकाल रहा है ट्रैक्टर। एक नंबर लगवा दिया था मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सपोर्ट करना दोस्तों। और जिस भी ट्रैक्टर का आप और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।